हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे हम। तो राजस्थान पुलिस वालों, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो 100% यूजफुल है। इसमें मैंने जो है आपके लिए सेलेक्टिव क्वेश्चन है वो इस जो है वीडियो में कवर कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा सालासर बालाजी का मंदिर, तो सभी को पता है चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा जो है गोगा जी की ओल्डी, तो सांचौर जालौर में है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग का जो संप्रदाय, यानी तो ये जो है सूरदास को जो है विठलदास ने कहा था, पुष्टि मार्ग का जहाज किसको किसने कहा था अगर आपसे पूछ ले तो सूरदास को विठलनाथ ने कहा था। अच्छा, भिल्लों का खेल नृत्य कौन सा है, तो नेजा नृत्य है। वहीं अगर आपसे पूछ लेना कच्ची घोड़ी नृत्य है, तो ये सिखावटी क्षेत्र में प्रचलित है। और जगदीश मंदिर, तो ये उदयपुर में है। वहीं अगर आपसे पूछ ले राजस्थान की आत्मा जो, यानी नृत्यों की आत्मा, तो ये घूमर को कहा जाता है। वहीं अगर आपसे पूछ ले रामदेव जी के जो पूजा स्थल हैं, तो रोनीचा जैसलमेर है, उसके बाद उड़ू काश्मीर जो कि बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था वहाँ पर है, एक बिठूला बालोत्रा बाड़मेर में है, एक सूरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ और बिराठिया पाली में है। वहीं अगर आपसे पूछ लेना हड़बूजी को जो है बेंगटी जो है किसने जो है प्रदान की थी, तो ये बेंगटी जो जगह का नाम है ध्यान रखना फ्रेंड्स, और ये राव जोधा ने जो है हड़बूजी को प्रदान की थी। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन है कौन से लोक देवता ने जो है फिरोज तुगलक से युद्ध किया, तो ध्यान रखना फिरोज तुगलक से जो है मल्लीनाथ जी ने किया था, और जो मोहम्मद गजनवी है उनसे गोगा जी ने किया था। वहीं अगर आपसे पूछ ले सात ध्वजों का नाथ, तो श्रीनाथ जी को कहा जाता है, जिनका मंदिर जो है नाथ द्वारा राज संबंध में है। वहीं अगर आपसे पूछ ले अष्टछाप शिरोमणि कवि, तो सूरदास को कहते हैं। और थार की वैष्णो देवी तनोट माता, जिनका मंदिर जैसलमेर में है, और इनको सैनिकों की देवी रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। अच्छा, राजस्थान का भुवनेश्वर, तो ओशिया को कहते हैं, और भुवनेश्वर की तर्ज पर जो है यहाँ पर कोणार्क मंदिर यानी सूर्य मंदिर होने के कारण है। वहीं अगर आपसे पूछ ले स्वतंत्र बावनी के रचयिता, तो तेज कवि है, ध्यान रखना, जो कि जैसलमेर के है। अच्छा, मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, तो पुष्कर मेला है, अजमेर में लगता है। और सतबीस देवैया, तो ये ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ में है, जैन धर्म का मंदिर है। सतबीस यानी 7+20 यहाँ पर 27 मंदिर है। अच्छा, राजस्थान की छोटी काशी, तो बूंदी को कहते हैं, और सेकेंड काशी भी इसे ही कहा जाता है, और उप काशी है वो डीडवाना को कहते हैं। वहीं अगर आप सर्वाधिक जो प्रसिद्ध अन्नकूट है वो महोत्सव है, श्रीनाथ जी के मंदिर नाथ द्वारा का है, ध्यान रखना। वहीं अगर आपसे पूछ ले जयपुरी ख्याल गायकी के जो प्रवर्तक है रजब अली खां है, और इस बार पूछा गया था जो लाइब्रेरियन का पेपर हुआ उसमें पूछ लिया था सीधा सीधा कुचामनी ख्याल के कहाँ से संबंधित है, तो नागौर, जो नागौर में कुचामनी सिटी आती है वहाँ की। वहीं अगर आपसे पूछ ले सुरजीत कौर चोयल, तो ये पहली हिंदुस्तानी चित्रकार जिनकी पेंटिंग जापान की कला दुर्गा में प्रदर्शित की गई थी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर अगला हमारा क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजियम, जयपुर के प्रसिद्ध गायक व जो है संगीत सम्राट उस्ताद अलिया खां है, ध्यान रखना। सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय फड़ कौन सी है राजस्थान में, तो बाबू जी की फड़ है, तो ये भी आप ध्यान रखना। और सबसे लंबी और छोटी फड़ दोनों ही देवनारायण जी की फड़ है, और इस पर डाक टिकट भी जारी हो चुकी है। अच्छा, आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय तो कुंदनलाल मिस्त्री को जाता है, और राजस्थान चित्रकला का उद्गम स्थल है वो मेवाड़ से माना जाता है, और महाराणा कुंभा के काल में ये सवर्ण काल रहा था। अच्छा, खजूर के वृक्ष किस शैली में है, तो खजूर के वृक्ष की जो है प्रतांता बूंदी और कोटा शैली में है। नेडा की छत्रियाँ तो अलवर में है, और उन्नी कालीन तो बीकानेर की प्रसिद्ध है, और प्रसिद्ध घुड़सवार कौन कौन से, रघुवीर सिंह, गुलाम मोहम्मद खान है। अच्छा, सुनीतापुरी, तो वर्षा सोनी ये हॉकी के खिलाड़ी है राजस्थान में, ध्यान रखना। रीमा दत्ता, भक्ति शर्मा, और यहाँ पर गौरवी सिंघवी भी है अभी, तो ये प्रसिद्ध जो है तैराक है, ध्यान रखना। अच्छा, महाराव भीम सिंह, करनी सिंह, राजश्री कुमारी, तो ये निशानेबाज है, तो यहाँ से जो है आपसे खिलाड़ियों का नाम दे देगा और सीधा सीधा पूछेगा कि किस खेल से संबंधित है। लिम्बाराम ये तीरंदाज थे। अच्छा, सलीम दुर्रानी, गगन खोड़ा ये क्रिकेटर थे, और श्रावण में ओढ़नी जो ओढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं, लहरिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिंगल पैसा वेस्ट नहीं होने वाला है, प्लीज़ लाइक कर दो। और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सअप फेसबुक, उन पर जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे अभी शेयर कर दो। बाकी आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई, जहाँ से आप पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है डाउनलोड कर ही सकते हैं, और राजस्थान जिला दर्शन के संपूर्ण 33 जिलों का अध्ययन भी आप कर सकते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। आत्मसुख ये क्या है भाई, आत्मसुख ये ध्यान रखना सर्दी में ओढ़ा जाता है, जिसे प्राचीन समय में आत्मसुख सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है, ये ध्यान रखना राजस्थान में। अच्छा, पगड़ी तो मेवाड़ की प्रसिद्ध है, और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है वो बागौर की हवेली उदयपुर में, और बागौर की सभ्यता है वो भीलवाड़ा में, ध्यान रखना। राष्ट्रीय सापा तो ये जोधपुरी सापा को कहते हैं। दाढ़ी मूंछ युक्त हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो सालासर बालाजी जो मंदिर है चूरू में वहाँ पर है। अच्छा, गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर तो ये रणथंभौर स्वाई माधोपुर में, और यहाँ पर जो है गणेश चतुर्थी को सबसे
सबसे बड़ा राजस्थान में मेला लगता है। बाजना गणेश सिरोही में, ध्यान रखना बाजना गणेश कहाँ पर है, सिरोही में। और बुद्धा देवी का मंदिर माउंट आबू सिरोही में है और इसे अधर देवी भी कहते हैं। अच्छा, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा में और खम्भों का जंगल रेणुपुर जैन मंदिर को कहते हैं। और ओशिया के मंदिरों की शैली तो गुजर महामारू शैली है और बुढ़ा देवी का जो है सूर्य मंदिर ये कोटा में है। और आधेटा रिवाज मृत्यु संबंधित है, ध्यान रखना आधेटा है ये रिवाज है मृत्यु से संबंधित है। वैश्यों का मंदिर रणकपुर जैन मंदिर पाली को कहा जाता है और बोहराजी की क्षत्रिय कैला देवी मंदिर के सामने करौली में, जहाँ ऐसी मान्यता है कि पुश्तैनी बीमारी का इलाज होता है। अच्छा, पगड़ी का दस्तूर, ये पगड़ी का दस्तूर क्या है भाई, तो पिता की मृत्यु होने पर जो है बड़े बेटे या भाई को जो है पगड़ी पहनाकर उत्तराधिकारी तव जो है सौंपा जाता है। तो ये आज के राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी किस टॉपिक पर आप जो है स्पेशली जो है क्वेश्चन चाहते हैं वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसी टॉपिक पर जो है वीडियो बनाकर दूंगा। बाकी आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पर हमें ज्वाइन जरूर कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF नोट्स ई बुक पूरी की पूरी किताबें मिल जाएगी वहाँ पर आपको। और जो है जिला दर्शन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि जिला दर्शन से आपके 10-15 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं राजस्थान जीके के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। और यही वो समय है, मैं हर बार कहता हूँ कि जो है इन 15-16 दिनों को आप जो है सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं डेफिनेटली, आप बस हार्डवर्क करना होगा। हार्डवर्क का मतलब ये है कि आप जो है दिन और रात जो है ये नहीं देखेंगे कि यार 2 घंटे हो गए पढ़ते हुए, तो ये बिल्कुल नहीं देखना है। आपको जो है पढ़ना है जब तक आपका दिल करे, जब तक आपको लगे कि मुझे सिलेक्शन लेना है तब तक आपको पढ़ना है, तो इसी को हार्डवर्क कहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।